हाय राम, क्या करूं मैं इस टीवी का। 4 महीने हो गए, 4 महीने से टीवी चला नहीं है। घर में सेटअप बॉक्स, इंटरनेट, डीवीडी सब लगे हुए हैं, मगर चलता कोई भी नहीं है। वेदिका और वेदराज दोनों यूट्यूब में लगे होते हैं, और जब मुझे थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं भी यूट्यूब ही देख लेती हूँ। तो ये टीवी बिल्कुल बेकार हो चुका है हमारे लिए। मुझे तो लगता है इस टीवी को हटा देना चाहिए घर से। अरे रुको रुको, टीवी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने मंगाया है अमेज़न से फायर स्टिक। जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं कार्टून वार्टून, वो अब टीवी पे देखने लगेंगे, और जो कुछ हम लोग भी नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं या मूवी भी लैपटॉप पे देखते हैं, वो भी हम टीवी पे देख सकते हैं। तो टीवी का भी यूज होने वाला है, तो इस फायर स्टिक को हम लोग देखते हैं अभी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइव। मैं नितीश। मैं ममता। और आज हम लोग करने वाले हैं अमेज़न फायर स्टिक की अनबॉक्सिंग। तो चलिए, मैं भी देखती हूँ और आप सब भी देखिए कि अमेज़न फायर स्टिक कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट। अमेजन फायर स्टिक में हमें क्या क्या मिलता है, मैं ये दिखाता हूँ। ये मैंने अमेजन से 3999 मंगाया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख कर सकते हैं। अगर आपको मंगाना हो तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जा करके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ एक एक करके। जो सबसे पहले ये फायर स्टिक जो मेन डिवाइस है, ये 1080p को सपोर्ट करता है। ये 4K वाला नहीं है, 4K वाला इसका अपर वर्जन है जो 4K पे चलता है। लेकिन अगर आपका टीवी सपोर्ट करता हो 4K तो आप ले सकते हैं। एक्सटेंशन केबल है, ये एक्सटेंशन केबल टीवी के पीछे फ्लैट पैनल होता है तो जगह कम होता है, तो अगर डायरेक्ट लाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इस एक्सटेंशन को लगा करके यहाँ पे आप फायर स्टिक लगाते हैं तो किधर किसी भी डायरेक्शन में घुमा के आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद ये पावर एडेप्टर और साथ में USB केबल, जिससे आप फायर स्टिक को पावर देंगे। इसको हमेशा पावर प्लग या इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में ही, बोर्ड में ही डाल करके पावर दीजिए। टीवी से पावर मत दीजिए, थोड़ा लो वोल्टेज मिलता है जिससे हो सकता है कि आपका वीडियो वगैरह स्लो चले। फाइनली ये रिमोट और साथ में बैटरी, दो बैटरी भी साथ में देते हैं रिमोट के साथ में। और ये रिमोट जो है, इसमें वॉल्यूम का बटन भी है। जो पहले फायर स्टिक आते थे उसमें वॉल्यूम का बटन नहीं था, और म्यूट का बटन नहीं था, और पावर का बटन नहीं था। ऐसे टीवी आप ऑफ कर सकते हैं, बट टीवी सपोर्ट करना चाहिए इस रिमोट को, तो ये बटन काम करते हैं। और प्लस वॉइस से तो आप एलेक्सा वॉइस से तो आप कमांड दे ही सकते हैं। तो अब हम इसको टीवी में लगाते हैं और देखते हैं हम कैसा काम करता है ये। तो सेटअप करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग रिमोट में बैटरी लगा लेते हैं। ये रिमोट है, इसको दबा के पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, बैटरी लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी, दो बैटरी जो फायर स्टिक के साथ ही आया है, तो इसका प्लस माइनस देख करके हम इसमें दिया हुआ है हमें कैसे लगाना है। ये लगा दिया, क्लिक कर दिया। अब इसको हम लोग फिर से लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया। अब इस फायर स्टिक को हम लोग लगाएंगे टीवी में। सबसे पहले टीवी को ऑन कर लेते हैं। इस ये जो एक्सटेंशन जो अमेज़न फायर स्टिक के साथ आया, इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। और ये एक्सटेंशन जो मैंने निकाला हुआ है अपने टीवी से, उसमें मैं इसको लगा देता हूँ। इसमें लगा दिया, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं। टीवी तो ऑन हो गया लेकिन आया नहीं डिस्प्ले, क्योंकि इसमें अभी हमने पावर नहीं दिया है। अच्छा। तो पावर देते हैं। पावर के लिए हमारे पास ये अडेप्टर है और ये USB केबल। अच्छा, इसके लेंथ भी अच्छी है तो आप थोड़ा दूर पर भी रख सकते हैं। ये पावर लगाया और इसे मैं स्विच बोर्ड में लगा देता हूँ। ये स्विच बोर्ड में लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। और इस ये जो हमारा फायर स्टिक है, इसमें साइड में आपको दिए हुए है USB का लगाने के लिए। इस केबल को हमने इसमें लगा दिया। ये देखिए, अब ये ऑन हो रहा है। अमेज़न का लोगो आ गया, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया। जैसे इसे पावर मिला, ये स्टार्ट हुआ। अच्छा। अभी कुछ सेटिंग्स मांगेगा, देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स मांगेगा। मुझे भी नहीं पता है, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही देखूंगा। ये फायर टीवी स्टिक ऑन हो गया। इसको लगाना तो बहुत ईजी है। बिल्कुल। सर्चिंग फॉर रिमोट, ये इस रिमोट को सर्च कर रहा है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है सर्चिंग फॉर रिमोट, बटन दबाना पड़ेगा। चलो मैं दबा के देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसका होम बटन दबाया, ये प्ले बटन टू स्टार्ट। तो इसका इसमें प्ले बटन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश इंडिया कर लेता हूँ। ये जो राउंड बटन है इसे आप नीचे कर सकते हैं। ये इंग्लिश इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। बीच में प्रेस करके आप
सेलेक्ट ओके कर सकते हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा है, वाईफाई जो हमारे यहाँ का नेटवर्क होगा, तो हमारा जो ये राउटर लगा हुआ है इसका नेटवर्क आ रहा है, ये देखिए ममता के नाम से। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये फिर पासवर्ड मांगेगा, तो इसमें पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल के जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, अभी हमारे वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जो भी फायर स्टिक का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा, अब इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसे डाउनलोड कर रहे हैं। ये ऑप्शन आ गया। अच्छा, अगर हम लोग अमेजन में हमारा अकाउंट है तो हम लोग इसे लॉगिन हो सकते हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी हैं, तो हम लोग इसको आई ऑलरेडी हैव एन अमेजन अकाउंट, उस पर क्लिक करते हैं। अब अकाउंट हमें डालना पड़ेगा जो हमारी ईमेल आईडी से है। जैसे हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वेरिफिकेशन कोड ये हमारे मोबाइल पे भेजेगा या ईमेल आईडी भेजेगा। तो नेक्स्ट करते हैं। अब ये मेरे मोबाइल पे एसएमएस आ गया, ये वेरिफिकेशन कोड आ गया, ये मैं डाल देता हूँ। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं कि बच्चे क्या देखें क्या ना देखें। तो मैं अभी नो पेरेंटल कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे टीवी का ब्रांड पूछ रहा है कि आपका कौन सा टीवी है, तो उससे आपका रिमोट थोड़ा कंफर्टेबिलिटी बनाएगा उसकी। तो मैं देखता हूँ हमारे इस लिस्ट में नाम है या नहीं। लॉयड ये हमारा टीवी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये साउंड टेस्ट कर रहा है, ये वॉल्यूम बटन टेस्ट कर रहा है, ये काम कर रहा है, इसका बड़ा वर्क कर रहा है वॉल्यूम बटन, टीवी के वॉल्यूम को ही बड़ा घटा रहा है। Welcome to your new Fire TV stick. Using the Alexa voice remote, easily get to all your favorites from Netflix, Prime Video, Hotstar, Sony Live, and more. To get started, press the microphone button and ask. इसके बारे में बता रहा है, तो मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अभी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ मैं। कौन कौन सभी हम चाहते हैं वो सेलेक्ट करने को बोलता है, मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे सेलेक्ट हो गए, अब मैं फेस बटन पर क्लिक करूँगा, ये हमारा होम आ गया। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, देखो तुम्हें जो भी कुछ देखना हो, मूवी देखना हो, कुछ भी देखना हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हो। देखो बहुत ही आसान है, जैसे कि ये चलाऊंगा मैं मूवी, तो चला दिया मैंने, ये दिखा रहा है फलकनुमा दास वॉच नाउ विथ प्राइम, हमारे पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो ये चल जाएगा। जो प्ले किया हमने ये मूवी चल गई। तो मेरे को फायर स्टिक का ये सबसे अच्छा लगता है जो इसमें अलेक्सा स्पीकर दे रखा है। मैं आपको बताता हूँ, अलेक्सा प्ले स्पाइडरमैन मूवी। तो देखिए जो भी मैंने स्पाइडरमैन मूवीज इसमें है सब इसमें आ गई है। स्पाइडरमैन टू ये कुछ लगे अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स सब आ गई है, और अलग दूसरे हीरोज की भी आ चुकी है। इसमें एग्जांपल्स में दे देते हैं, आपको जो देखना है वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को अमेजन फायर स्टिक का सेटअप दिखा दिया, कैसे इसको यूज़ करें वो दिखा दिया, बाकी और धीरे धीरे और भी चीज़ें पता चलेंगी इसमें क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, और अगर आप ये फायर स्टिक लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय बाय।